सीताफल मंडी नाम के एक गांव में मंगली नाम की एक औरत जंगल में लकड़ियां काटते हुए जीती थी। उसके बेटे का नाम बबलू था। उसके बचपन में ही बबलू के पिता गुजर गए थे, इसलिए वो उसे बड़े लाड़ प्यार से देखती थी। उनके झोपड़ी के बगल में ही जगजीत नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो चोरी करते हुए जीता था। वो मंगली को हरदम छेड़ते रहता था। देख मंगली, तेरा पति नहीं है और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, दोनों को साथ ही चाहिए ना, तुम मेरे साथ रह सकती हो ना। ऐसे छेड़ता रहता था। वो देखकर मंगली को बहुत गुस्सा आता था। चप्पल देखी है ना, एक मारूंगी तो पूरे 32 ही बाहर निकलेंगे, कमीने कहीं के, एक और बार ऐसे बातें किए तो इस कुल्हाड़ी से पैर नहीं तुम्हें काटूंगी। एक दिन मंगली गश खाकर नीचे गिर गई। पलंग पर सो गई मंगली को डॉक्टर परीक्षा करके, बेटा बबलू, तुम्हारे माँ के दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10 लाख खर्च होंगे, क्या करोगे कैसे करोगे पता नहीं, जितनी जल्दी पैसे तैयार करोगे उतनी जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं, कहकर वहाँ से चला गया। क्या 10 लाख रुपए कहाँ से लाओगे रे, तेरी माँ जिंदा नहीं बचेगी, दिन गिनने के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते, मेरी बात सुनो और मेरे साथ आओ, चोरी कैसे करते हैं सिखाऊंगा, कम से कम मरने तक तेरी माँ को खाना तो खिला पाओगे। हम भूखे मरेंगे मगर चोरी नहीं करेंगे, ऐसे बकवास सलाह कभी मत देना, मेरी माँ के लिए जंगल में जाकर मैं लकड़ियाँ काटूंगा। वो सुनकर मंगली बहुत दुखी हुई। अगले दिन बबलू कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। वहाँ लकड़ियां मारकर उन्हें उठाया। बहुत दूर चलने पर भी उसका गांव नहीं आ रहा था। वो रास्ता भटक गया है कहकर उसे समझ आया और वो रोने लगा। मैं रास्ता भूल गया हूँ, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, वहाँ मेरी माँ का देखभाल कैसे कर पाऊंगा, अब मैं क्या करूँ, कहकर रोने लगा। तब उसके पास थोड़े लिलीपुट्स मिनी व्हीकल्स पे आए। बेटा क्या हुआ, रास्ता भटक गए हो क्या, डरो मत, रोना बंद करो, अब अंधेरा हुआ है ना, ये रात हमारे साथ ही रहो, कल हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ऐसे वो बबलू को लेकर अपने महाराजा और बाकी के लोगों को परिचय करवाए। महाराजा बबलू के बारे में पूछकर उसके माँ के बारे में जाने। अगले दिन महाराज, बेटा तुम्हारे स्थिति के बारे में जानने के बाद हम तुम्हारी मदद करने के लिए सोच रहे हैं, ये लो ये सोना लेकर अपने माँ का ऑपरेशन करवाओ। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपकी सहायता लेने से पहले मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ, बोलिए आपको क्या चाहिए। बेटा हमें बहुत समस्याएं हैं बेटा, नदी पार करने के लिए एक पुल भी नहीं है, उसे बनाने का टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं है, वो रहे तो हमें बहुत उपयोगकारी होगा, तुम इस बारे में हमारी मदद कर सकते हो क्या, देखो आओ हम तुम्हें वो नदी दिखाते हैं। ऐसे सब पानी के पास आए। तब बबलू पानी के अंदर उतरकर दो लकड़ी के तनों को ब्रिज के जैसे लगाया। महाराज इसे लॉन्ग ब्रिज कहते हैं, आप लोग अभी के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, मैं बाद में आकर एक अच्छा सीमेंट ब्रिज तैयार करूंगा। ऐसे वो महाराज का दिया सोना लेकर निकला। बाद में लिलीपुट्स मिनी व्हीकल्स पे ब्रिज के ऊपर फिरने लगे। ऑपरेशन होने के बाद उसकी माँ ठीक होने लगी। बबलू हर दिन अच्छे अच्छे फल खरीदकर घर ले जाते हुए देखकर जगजीत को उसके ऊपर शक होने लगा। बाद में चोरी छुपे किटकी के पास आकर वो उनकी बातें सुनने लगा। माँ तुम्हारे ऑपरेशन के लिए सोना देने वाले लिलीपुट्स मेरे ब्रिज बनाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, मैं जाकर उन्हें ब्रिज बना कर दूंगा, तब तक आप संभल कर रहिए माँ। वो सुनकर जगजीत आश्चर्य में पड़ गया। बापरे, यानी इन लिलीपुट्स के पास बहुत सोना है लगता है, किसी भी तरह मुझे उसे चुराना होगा, सोचा। बबलू एक मिनी ट्रैक्टर में सीमेंट ईंट डालकर निकला। जगजीत उसका पीछा करने लगा। बबलू नदी के पास आते ही देखा कि वहाँ लिलीपुट्स उसका इंतजार कर रहे थे।
तब अचानक से जगजीत उनके सामने आकर, रे बोने कहीं के शराफत से तुम्हारा सोना कहाँ पर छुपाए बोलो, मुझे सब चाहिए, नहीं दिए तो तुम लोगों को मेरे पैरों के तले कुचल दूंगा। वो सुनकर लिलीपुट्स हंसने लगे। रे ऐसे क्यों हंस रहे हो रे, क्या मजाक समझ रहे हो क्या, सोना दो मुझे। क्यों रे, हमारे कद को देखकर हमें कम समझ रहे हो क्या, इतने घने जंगल में खूंखार जानवरों के बीच में जीने वाले हम तुम जैसे कमीनों से कैसे डरेंगे रे, कमीने कहीं के, इसे हमारी ताकत क्या है दिखाओ। तब सब उस पर तीर चलाने लगे। वो चुप कर, बाप रे कहकर वहां से भागा। बाद में बबलू उन्हें सीमेंट ब्रिज तैयार करके दिया। लिलीपुट उस पर अपने मिनी व्हीकल्स के साथ घूमकर खुश होने लगे। एक गांव में साधु नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो पुराने सामान उठाते हुए अपना जीवन गुजारता था। आए दिन डंप यार्ड में के कचरे में से पुराने सामानों को ढूंढ कर इकट्ठा करता था। अगर कोई चीज मिले तो उसे अपने थैली में डालकर दुकान में बेचता था। उसके दो बच्चे थे और वो देख नहीं पाते थे, मगर वो उनका बहुत लाड़ प्यार से देखभाल करता था। एक दिन उसकी बेटी, पिताजी हमारे आँखों का ऑपरेशन करवा कर हमारे आँखों की रोशनी लाओगे कहकर आपने कहा था ना, क्या हुआ पिताजी, आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रही हो। बोलो पिताजी, जब से डॉक्टर हमारे आँखों की रोशनी आएगी बोले थे तब से हम बहुत खुश हैं। हम भी सभी बच्चों के जैसे देख सकते हैं, खेल सकते हैं कहकर आज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। हाँ बच्चों, डॉक्टर जी के कहने के बाद आपसे ज्यादा मुझे बहुत खुशी होने लगी है, मगर ऑपरेशन करवाने जितने पैसे मेरे पास नहीं है। मैं उतने पैसे कमा सकता हूँ कहकर भरोसा भी नहीं है, उसके लिए ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो भगवान हम पर कब अपनी कृपा बरसाएंगे पता नहीं, कहकर दुखी होते हुए कहा। एक दिन वो कचरा उठा रहा था कि तभी बारिश गिरने लगी। वो जाकर एक पेड़ के नीचे ठहरा। तब उसे अपने थैली में से थोड़े आवाजें सुनाई दिए। वो तुरंत थैली में के सामानों को नीचे गिरा दिया। उसमें से दो लिलीपुट्स बाहर आए। ए, तुम कौन हो, मेरे थैली में कैसे आए। श्रीमान हमें कुछ मत कीजिए, हम लिलीपुट देश के रहने वाले हैं, गलती से आपके थैली में आकर गिरे हैं, हमें छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मगर वैसे तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्यों आए। श्रीमान हमारे देश में बहुत सारा सोना है, हमें जो भी चाहिए था उसे आपके देश में से एक आदमी आकर हमें देते रहता था। वो हमें मिनी बस, ट्रैक्टर, ऑटो, बाइक, ऐसे जो चाहे वो लाकर देता था। हाल ही में वो गुजर गए, अब हमारे सारे गाड़ियाँ पुराने होकर खराब हो गए हैं, तब से हम सबको ऐसे पैदल चलना पड़ रहा है। तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा, आपको जो चाहिए वो मैं लाकर दूंगा, उसके बदले मुझे आपका सोना दीजिए, मैं बहुत परेशानियों में हूँ। श्रीमान आप अच्छे आदमी हो इसलिए आपने हमें कुछ नहीं किया, मगर हमारे महाराज किसी पर भी उतने आसानी से भरोसा नहीं करते, यही असली समस्या है। हम जाकर हमारे महाराज से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। आप कल यहाँ आकर हमें मिलिए, हमारे महाराज जी मान गए कि नहीं ये बात हम आपको मिलकर बताएंगे, कहकर चला गया। बाद में साधु कचरे में ढूंढने लगा। उसे एक पुरानी मिनी एम्बुलेंस दिखाई दी। आहा, इसे मरम्मत करके उस महाराजा को दिए तो वो मुझ पर भरोसा करेंगे, कोशिश करके देखता हूँ, मेरे पास मिनी व्हीकल खरीदने उतने पैसे नहीं है ना, इसीलिए इसे ठीक करके दिए तो बस है, यूँ सोचकर उसे ले गया। बाद में उसकी मरम्मत करके उसे नया एम्बुलेंस के जैसे बनाया। अगले दिन उसे लेकर लिलीपुट्स के पास आया। हमें माफ कीजिए, हमने महाराज जी से आपके बारे में बताया था, मगर पता नहीं क्यों वो आप पर संदेह कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश कहां पर है कहकर नए लोगों को, खासकर इंसानों को पता चलना उन्हें पसंद नहीं है, आप जा सकते हैं। ऐसे मत कहो दोस्त, मुझे ये एम्बुलेंस कचरे में मिली है, मैं इसे आपके लिए बहुत मेहनत करके लाया हूँ, कृपा करके मुझे आपके महाराज के पास ले जाइए, मैं उनसे बात करके उन्हें मनाऊंगा, मुझे एक मौका दीजिए, कहकर हाथ जोड़ा।
तब दोनों एक दूसरे को देखकर ठीक है बोले। ऐसे वो साधु को लेकर महाराज के पास आए। साधु को देखते ही सब चाकू और बाण निकाले। महाराज जी रुकिए रुकिए, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया हूँ, दोस्ती करने आया हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ये देखो ये एम्बुलेंस आपके लिए ही लाया हूँ, अगर आप अनुमति देंगे तो यहाँ रहे सारे गाड़ियों को रिपेयर करूँगा। इस एम्बुलेंस को मैंने ही रिपेयर किया है, आपके पास रहे पुराने गाड़ियों को रिपेयर करके बिना नए गाड़ी खरीदे आपके पैसों को बचाऊंगा। मेरे बच्चे अंधे हैं, उनका ऑपरेशन करवाने के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, मेरा यकीन कीजिए, मैं धोखा नहीं दूंगा, कहकर हाथ जोड़ा। तुमने सही वक्त पर एम्बुलेंस लाया है भाई, बिना एम्बुलेंस के हमारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ रहे सारे गाड़ियों की मरम्मत करो, देखते हैं। तब साधु वहाँ रहे सारे गाड़ियों को रिस्टोर किया। वो देखकर सब खुश हुए, सब उन गाड़ियों को चलाते हुए यहाँ वहाँ खुशी से घूमने लगे। मुझे तुम पर भरोसा आया है, ये लो ये सारा सोना तुम्हारा ही है, इसे ले लो, अगर फिर कोई जरूरत पड़े तो हम जरूर बुलाएंगे। साधु महाराज और बाकी के लिलीपुट्स को नमस्कार किया। ऐसे साधु दोनों बच्चों के आँखों का ऑपरेशन करवा कर उनके आँखों की रोशनी लाया। बच्चे खुशी से उसे गले लगाए